हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इसका हिंदी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और 6 कैरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं वॉइस डबिंग के। तो सबसे पहले आते हैं तचाला, यानी कि हमारे ब्लैक पैंथर। तो इसकी आवाज बिल्कुल सेम है और सुमित ने इनकी आवाज दी है, जो कि अशोक चैनल यानी कि एक सम्राट का चैनल आता है, वो इसमें काम कर चुके हैं और वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर और अब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने वॉइस डबिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करी है और देन वुल्वरिन में कैली बेन का भी आवाज इन्होंने इसी में ही दी है। तो बहुत अच्छे एक्टर है और देखते हैं अब इन फ्यूचर क्या होता है। देन उसके बाद आती है नताशा रोमानोव, यानी कि ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो की आवाज दी है नेशमा ने और आयरन मैन से लेकर और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर तक नेजमा ने ही ब्लैक विडो की आवाज दी है, जो कि काफी टीवी सीरीज में काम कर चुकी हैं और देन उन्होंने कार्टून टीवी सीरीज में ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि सबसे पहले आपने स्कूबी डू टीवी सीरीज देखी होगी, जिसमें कि बेलमा की आवाज इन्होंने दी है, प्लस आपने पावर द गर्ल्स देखा होगा जिसमें कि ब्लॉसम यानी कि जो उनकी लीडर थी आवाज इन्होंने दी है। उसके बाद आते हैं निक फ्यूरी। जी हाँ, तो कहने को ये एक एजेंट है, बट इनकी आवाज में भी काफी दम है और ट्रेलर में सबसे पहले इन्हीं की आवाज थी। तो इनकी आवाज किसी लेजेंड ने दी है, यानी कि शक्ति सिंह ने। तो काफी अच्छे बॉयज एक्टर हैं और देन इनकी अगर सबसे बड़ी बुलंद आवाज का नाम लिया जाए तो वो है हमारा वुल्वरीन। जी हाँ, तो वुल्वरीन की आवाज भी यही देते थे और इनके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, अगर आपको देखनी है तो वो मेरे आई बटन पर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे बॉयज एक्टर हैं और देन देखते हैं कि इनकी आवाज लोगों को कैसी लगती है। देन उसके बाद आते हैं थॉर। यस, तो थॉर की आवाज काफी दमदार है और थॉर की इस बार आवाज चेंज कर दी गई है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। तो इनकी आवाज दी है चैतन्य अदीब ने। तो ये ऑलरेडी बालिका वधू टीवी सीरीज में आपने इनको देखा होगा, जो कि आनंदी के बापू का रोल करते थे और उन्होंने सबसे बड़ी आवाज दी थी स्पाइडरमैन मूवी में हैरी ऑसबॉर्न की पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 और पार्ट 1। उसके बाद आते हैं हमारे टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क की इस बार आवाज चेंज कर दी गई है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में और ये सबसे बड़ी दुख की बात है, बट आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि अब लेजेंड आ चुके हैं, यानी कि हमारे विनोद। तो विनोद बहुत ही बड़े वॉइस एक्टर हैं इंडिया के और उन्होंने बैटमैन जैसी मूवी जोकर की आवाज दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। तो जोकर की आवाज देना काफी टफ है, बट एनी विनोद इज द लेजेंडरी और आयरन मैन की आवाज इंडिया में लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि विनोद इज द बेस्ट एक्टर वॉइस। उसके बाद बात करते हैं थैनोस की। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ में यहीं पर ये हुआ था कि एक्चुअल में थैनोस की आवाज किसने दी है। तो फाइनली थैनोस की आवाज दी है शरद ने। तो आपने ना रामलीला मूवी में देखा होगा 100%, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे वॉइस एक्टर भी हैं। जी हाँ, और उन्होंने सबसे बड़ी मूवी दी थी बाहुबली 2 में प्रभास की आवाज। जी हाँ, जो कि इंडिया में सुपरहिट मूवी गई थी और शरद की आवाज इतनी दमदार है कि थैनोस के डायलॉग तो चांतन कर चुके हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर जोकर के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। और देन अदरवाइज अगर कोई भी कैरेक्टर कंफर्म होता है हिंदी वॉइस में तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। सबसे ज्यादा कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के लोग पूछ रहे हैं। तो गाइज, बाय बाय, जा रहा हूँ।